ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्केलेटन फॉर्म में लिखा जाएगा और स्केलेटन फॉर्म दो पार्ट में कन्वर्ट करके लिखी जाएगी। मिसाल के तौर पे Fe+3 से Fe+2 की फॉर्मेशन हो सकती है, तो एक पार्ट इस इक्वेशन का होगा Fe+3 से Fe+2। दूसरे पार्ट में हम लिखेंगे SN2+ से SN4+ की फॉर्मेशन हो सकती है, तो इस एक इक्वेशन को हम स्प्लिट करके लिखेंगे दो पार्ट में। इस पहले स्टेप को बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन। क्योंकि इस एक इक्वेशन को हमने दो पार्ट्स में कन्वर्ट करके स्प्लिट करके लिखा है, और ये दोनों इक्वेशंस स्केलेटन इक्वेशंस हैं, और ये स्केलेटन इक्वेशन का मतलब है कि ये बैलेंस इक्वेशंस नहीं है। इसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस दे रही है और कौन सी इक्वेशन रिडक्शन का प्रोसेस दे रही है। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को चेक करें, Fe3+ से Fe2+ की फॉर्मेशन हो रही है, तो अपेरेंट चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं डिक्रीज इन अपेरेंट चार्ज। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन रिडक्शन का प्रोसेस दे रही है। अगर हमने पहली इक्वेशन को रिडक्शन प्रोसेस के तौर पे आइडेंटिफाई किया है, तो दूसरी इक्वेशन लाजमी है कि वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। अगर हम चेक कर लें ऑक्सीडेशन नंबर से, तो हम चेक भी कर सकते हैं SN2+ से SN4+ की फॉर्मेशन हो रही है, अपेरेंट चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंसिंग ऑफ एटम, मगर इन दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है। पहली इक्वेशन को अगर हम चेक करें, Fe एटम 1, Fe एटम 1, इसी तरह से टिन के एटम्स भी दोनों साइड पे 1 1 है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बैलेंसिंग ऑफ एटम का जो स्टेप है वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ एटम के स्टेप के बाद बैलेंसिंग ऑफ चार्ज का स्टेप आता है। चार्ज को बैलेंस करना है बाय पुटिंग इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि चार्ज का कितना डिफरेंस है। इस ऊपर वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे चार्ज है 3, ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे चार्ज है 2। 3 और 2 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1। यानी कि पहली इक्वेशन में हमने इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट किए जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पुट किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस साइड पे पुट करा जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्टेंट साइड पे पुट किया जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाली इक्वेशन रिडक्शन रिएक्शन दे रही है। तो जितने भी रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्टेंट साइड पे पुट करा जाता है। रिडक्शन से याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे रिएक्टेंट साइड पे। तो इस पहली इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जा रहा है रिएक्टेंट साइड। दूसरी इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। SN2+ के ऊपर चार्ज है 2, प्रोडक्ट साइड में SN के ऊपर चार्ज है 4। 4 और 2 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा
टू का डिफरेंस। तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया जाएगा प्रोडक्ट साइड पे, क्योंकि रिडक्शन वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे पुट करे जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पे पुट किए जाएंगे। तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करने होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोडक्ट साइड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इक्वेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये है कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना है ताकि वो कैंसिल हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन दोनों इक्वेशंस में सेम करने के लिए हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें ये बात नजर आ रही है कि इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशंस में सिमिलर हो जाएंगे। इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 2Fe3+ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2Fe2+। नीचे वाली इक्वेशन को इसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से ये है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और जो सब्सटेंसेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करेंगे। तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद जो स्पीशीज रिएक्टेंट साइड पे मौजूद हैं उनको रिएक्टेंट साइड पे लिखा जाएगा। ये ओवरऑल इक्वेशन है जो कि बैलेंस की गई है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस है। नंबर ऑफ एटम्स तो हमें नजर आ रहे हैं, 2Fe के एटम हैं, इधर भी 2Fe के एटम है। रिएक्टेंट साइड पे एक टिन का एटम है, प्रोडक्ट साइड पे एक टिन का एटम है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस हम इस तरह से निकाल सकते हैं, Fe के ऊपर चार्ज है 3, मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस Fe का चार्ज हो गया 6। टिन के ऊपर चार्ज है +2, कोई कोफिशियंट मौजूद नहीं है, तो 6+2, तो ओवरऑल चार्ज आ गया रिएक्टेंट साइड पे 6+2 8। अगर हम प्रोडक्ट साइड का चार्ज चेक करें, Fe के ऊपर चार्ज है +2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो Fe का ओवरऑल चार्ज हो गया 4 और टिन के ऊपर +4 चार्ज मौजूद है, तो 4+4 ये रिजल्ट आएगा 8। तो दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स और चार्जेस बैलेंस है। इस रिडॉक्स रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन न्यूट्रल मीडियम। ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्प्लिट करके लिखा जाएगा MnO4-1 से Mn2+ की फॉर्मेशन हो सकती है, तो इसको हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इसी तरह से C2O4-2 से CO2 की फॉर्मेशन हो सकती है, तो इसको हम दूसरी इक्वेशन बना के लिखेंगे। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन में रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है और कौन सी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को चेक करें
तो ऊपर वाली इक्वेशन में MnO4 से Mn2+ की फॉर्मेशन हुई है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मौजूद नहीं है। तो इस पहली इक्वेशन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। एक इक्वेशन को हमने आइडेंटिफाई किया कि ये रिडक्शन है, तो दूसरी इक्वेशन लाजमी है कि ये इसका ऑपोजिट प्रोसेस होगा। तो इसको हम मेंशन कर देंगे कि ये रिडक्शन का प्रोसेस है। इसी तरह से दूसरी जो इक्वेशन है इसको हम मेंशन करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। किसी एक इक्वेशन को पहचान लिया जाए तो दूसरी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं होता। ये पहला स्टेप है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ इक्वेशन। दूसरे स्टेप में हमने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं है। सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि जिस तरह से इक्वेशन लिखी गई है, इक्वेशंस को उसी तरह से हम लिख देंगे। इक्वेशंस को उसी तरह से लिखने के बाद अब हमने चेक करना है नंबर ऑफ मैंगनीज एटम दोनों साइड पे 1-1 है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ Mn बैलेंस है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स नहीं है। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे H2O। तो 4 ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम 4 H2O को हम यूज करेंगे। जब हमने 4H2O यहाँ पे पुट किया तो दोनों साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन एटम्स, प्रोडक्ट साइड पे भी 4 ऑक्सीजन एटम्स, मगर H2O पुट करने की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अब हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं 4 2 8। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम यूज करेंगे H+ आइंस। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं उतने ही H+ आइंस को यूज करा जाएगा। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 8H+ आइंस। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स के रिस्पेक्ट से बैलेंस है। ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को हम चेक करते हैं। कार्बन के एटम है रिएक्टेंट साइड पे 2, कार्बन के एटम है प्रोडक्ट साइड पे 1। तो कार्बन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए एज अ कोफिशियंट 2 पुट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बैलेंस हो गए, 2 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो चुके हैं 2 2 4। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी दोनों साइड पे बैलेंस है। नेक्स्ट स्टेप होगा बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज करने के लिए जिस तरह से ये इक्वेशंस यहाँ पे मौजूद है, इन दोनों इक्वेशंस को पहले हम इसी तरह से लिख देंगे। अब हम ये चेक करते हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है चार्ज बैलेंस करने के लिए। MnO4-1 में चार्ज है -1, H+ का चार्ज है +1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8 एज अ कोफिशियंट यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी वजह से चार्ज आएगा +8।
ऊपर वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे जो चार्जेस हैं -1 और +8, ऊपर वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे Mn के ऊपर चार्ज है +2, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसको हम जीरो कंसीडर करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 -1 7 और 2 + 0 2। 7 और 2 का अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये डिफरेंस आएगा 5। तो ऊपर वाली इक्वेशन के लिए हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं, और ऊपर वाली इक्वेशन है रिडक्शन, तो हमने रिएक्टेंट साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना होगा। अब नीचे वाली इक्वेशन के लिए हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। C2O4 में चार्ज है -2, CO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 × 2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2। नीचे वाली इक्वेशन में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं, और नीचे वाली इक्वेशन है ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करे जाएंगे प्रोडक्ट साइड पे। तो इस तरह से चार्जेस को हमने बैलेंस किया है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट स्टेप है इक्वेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने सेम करना है, तो हमें ये बात नजर आ रही है कि इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 × 5 = 10, और नीचे वाली इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 × 10। तो इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिखा, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट साइड पे मौजूद हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कोई स्पीशी अगर सेम हो ऑपोजिट साइड पे हो तो वो भी कैंसिल आउट हो सकती है। रिएक्टेंट वाली साइड को रिएक्टेंट साइड पे लिखा जाएगा। प्रोडक्ट वाली साइड को प्रोडक्ट साइड पे लिखा जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। अगर हम चेक कर लें नंबर ऑफ मैग्नीज एटम प्रोडक्ट साइड पे भी, दोनों साइड पे नंबर ऑफ मैग्नीज एटम 2। इसी तरह से रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 × 2 = 10, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 10, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 28, प्रोडक्ट साइड पे भी
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 28, 10 2 20 और +8। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट साइड पे हैं 16। इसी तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रोडक्ट साइड पे 16। अगर हम चार्ज की बात करें तो MnO4 के ऊपर चार्ज है -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया -10, और +1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो गया प्लस का 16। इन सब को अगर हम प्लस करें, +16 -10, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 2, ये हो गया प्लस का 4। रिएक्टेंट साइड पे चार्ज आ रहा है +4। प्रोडक्ट साइड पे अगर हम चेक करें, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो गया 0। CO2 के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10, तो CO2 का ओवरऑल चार्ज 0। Mn के ऊपर चार्ज है +2 और Mn का कोफिशियंट है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो इस प्रोडक्ट साइड पे ओवरऑल चार्ज मौजूद है +4। इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस है। ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। सबसे पहले इस स्केलेटन इक्वेशन को स्प्लिट करके लिखना होगा। Cr2O7 -2 से Cr+3 की फॉर्मेशन हो सकती है, तो इसको हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। इसी तरह से Cl- माइनस से Cl2 की फॉर्मेशन हो सकती है। इसके बाद हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस रिडक्शन है और कौन सा प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। अगर हम ऊपर वाले रिएक्शन को देखें तो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स लॉस हो चुके हैं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। ये जो पहली इक्वेशन है, इस रिएक्शन में रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। तो दूसरी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ एटम। बैलेंसिंग ऑफ एटम का स्टेप करने से पहले इन दोनों इक्वेशंस को इसी तरह से हम लिखेंगे। इस पहली इक्वेशन में नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स बैलेंस है। Cr2 दो एटम है रिएक्टेंट साइड पे क्रोमियम के, प्रोडक्ट साइड पे पहले से 2 मौजूद है, तो क्रोमियम एटम्स बैलेंस है। ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए 7H2O को पुट करा जाएगा, 7H2O, क्योंकि ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करा जाता है बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हम 7H2O पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 7 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे, 7 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे भी मौजूद है। H2O पुट करने की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं प्रोडक्ट साइड में। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने इंक्रीज हुए हैं? 7 2 14, तो रिएक्टेंट साइड पे 14H+ को ऐड किया जाएगा ताकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दोनों साइड पे बैलेंस हो जाए। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है, रिडक्शन वाली इक्वेशन, ये नंबर ऑफ एटम्स के रिस्पेक्ट से बैलेंस हो चुकी है। प्रोडक्ट साइड पे 3 2 6, 6 क्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं, तो रिएक्टेंट साइड पे Cl- के साथ 6 पुट करेंगे, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन भी एटम्स के रिस्पेक्ट से बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज।
चार्ज को बैलेंस करने से पहले इन दोनों इक्वेशंस को इसी फॉर्म में नीचे लिखा जाएगा। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस में चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम पुट करते हैं। सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने पुट करने हैं ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Cr2O7 के ऊपर चार्ज है -2 और H+ के ऊपर चार्ज है 1। इसका कोफिशियंट है 14। 1 × 14 तो ये हो गया 14। पहले वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे जो चार्जेस आ रहे हैं -2 और 14। Cr के ऊपर चार्ज है +3 और इसका कोफिशियंट है 2, तो 3 × 2 6 आ गया। H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब 0। 0 × 7 तो ये हो गया 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -2 + 14 ये हो गया +12 और 6 + 0 ये हो गया 6। 12 और 6 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 6। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं। अब सवाल ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे पुट करे जाएं या प्रोडक्ट साइड पे पुट करे जाएं। रिडक्शन वाली इक्वेशन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्टेंट साइड पे पुट करा जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने पुट करने हैं रिएक्टेंट साइड पे। नीचे वाली इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने पुट करने हैं। Cl के ऊपर चार्ज है -1 × 6। इस Cl के ऊपर कोई चार्ज नहीं है 0 × 3 तो ये हो गया 0। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें 0 और -6 का डिफरेंस तो डिफरेंस आएगा 6। तो नीचे वाली इक्वेशन के लिए हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये पुट करे जाएंगे। ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है तो ये पुट करे जाएंगे प्रोडक्ट साइड पे। नेक्स्ट स्टेप है इक्वेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो किसी भी नंबर से इन रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिखेंगे रिएक्टेंट वाली स्पीशीज रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट वाली स्पीशीज प्रोडक्ट साइड पे। ये रिएक्टेंट वाली स्पीशीज आ गई। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट वाली स्पीशीज 2Cr3+। थ्री Cl2 7H2O। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ चार्जेस को चेक करें नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 2
टू, नंबर ऑफ क्रोमियम एटम प्रोडक्ट साइड पे टू, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम रिएक्टेंट साइड पे सिक्स, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रोडक्ट साइड पे थ्री टू जा सिक्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स सेवन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स सेवन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फोर्टीन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सेवन टू जा फोर्टीन। अब हम रिएक्टेंट साइड पे चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस टू और कोफिशियंट वन है, तो सी आर टू ओ सेवन के लिए चार्ज आ रहा है माइनस टू, सी एल का चार्ज माइनस वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स, तो इसका चार्ज आएगा माइनस सिक्स, एच का चार्ज वन मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन, तो इसका चार्ज आ जाएगा फोर्टीन। इन तीनों को ऐड करेंगे, फोर्टीन माइनस सिक्स माइनस टू, तो रिजल्ट आएगा सिक्स। प्रोडक्ट साइड पे एच टू ओ के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो मल्टीप्लाई बाय सेवन, तो एच टू ओ का चार्ज हो गया जीरो। इसी तरह से सी एल टू के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री, सी एल टू का ओवरऑल चार्ज हो गया जीरो। इसी तरह से क्रोमियम के ऊपर चार्ज है प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, तो ओवरऑल इसका चार्ज हो गया प्लस सिक्स। तो प्रोडक्ट साइड पे भी जो चार्ज आ रहा है वो प्लस सिक्स आ रहा है। नंबर ऑफ एटम्स और चार्जेस बैलेंस है। इस रिडॉक्स रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्प्लिट करके लिखा जाएगा। स्प्लिटिंग ऑफ इक्वेशन, एस टू ओ थ्री माइनस टू से एस फोर ओ सिक्स माइनस टू की फॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह से ओ सी एल माइनस से सी एल माइनस की फॉर्मेशन हो सकती है। इन दोनों हाफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सा हाफ रिएक्शन रिडक्शन है। अगर हम इस ऊपर वाले रिएक्शन को चेक करें तो रिएक्टेंट साइड पे तीन ऑक्सीजन एटम्स हैं जो कि प्रोडक्ट साइड पे इंक्रीज हो गए, सिक्स हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन इस कंपाउंड में ऐड हो रही है। ऑक्सीजन के ऐड होने का प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। नीचे वाला जो प्रोसेस है, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन एटम मौजूद है जो कि प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स हमें नजर नहीं आ रहा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ एटम्स। एटम्स को बैलेंस करने से पहले इक्वेशंस को इसी तरह से लिखा जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ सल्फर एटम्स हैं टू, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ सल्फर एटम्स हैं फोर, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स को बैलेंस करने के लिए एज अ कोफिशियंट टू पुट किया जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ सल्फर एटम्स हो गए टू टू जा फोर। टू पुट करने की वजह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू थ्री जा सिक्स, और सिक्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं प्रोडक्ट साइड पे। तो इस तरह से टू पुट करके नंबर ऑफ सल्फर एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दोनों बैलेंस हो गए। नीचे वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स बैलेंस है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए एच टू ओ पुट करेंगे। एच टू ओ पुट करके दोनों साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस है। एच टू ओ पुट करने की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हो चुके हैं प्रोडक्ट साइड पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए दो एच प्लस आइंस हम लगाएंगे रिएक्टेंट साइड पे। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो चुके हैं।
नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने से पहले इक्वेशंस को इसी तरह से लिखेंगे। चार्ज को बैलेंस करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज करने हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। H2O3 का चार्ज है -2 और इसका कोफिशियंट है 2। -2 × 2 ये हो गया -4। इसी तरह से H4O6 का चार्ज है -2 और इसका कोई कोफिशियंट नहीं है। -4 और -2 का डिफरेंस आएगा 2। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में दो इलेक्ट्रॉन्स को पुट करेंगे और ये ऊपर वाली इक्वेशन है ऑक्सीडेशन। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया जाएगा प्रोडक्ट साइड पे। इसी तरह से नीचे वाली इक्वेशन के लिए हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं। OCl का चार्ज है -1, हाइड्रोजन का चार्ज है +1, कोफिशियंट है 2। तो 1 × 2 2 हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट साइड पे -1 × 1 तो ये हो गया -1। H2O का कोई चार्ज नहीं है तो ये हो गया 0। रिएक्टेंट साइड पे -1 + 2 ये आ रहा है +1 और प्रोडक्ट साइड पे आ रहा है -1। +1 और -1 का डिफरेंस ये आएगा 2। तो नीचे वाली इक्वेशन में भी हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है और दो इलेक्ट्रॉन्स पुट करे जाएंगे रिएक्टेंट साइड पे, क्योंकि रिडक्शन वाली इक्वेशन है। रिडक्शन वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुट करा जाता है रिएक्टेंट साइड। नेक्स्ट स्टेप है इक्वेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इन दोनों इक्वेशंस को इसी तरह से लिखा जाएगा और ऐड करवाया जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स इन दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे और रिएक्टेंट वाली स्पीशीज रिएक्टेंट साइड पर लिखी जाएंगी, प्रोडक्ट वाली स्पीशीज प्रोडक्ट साइड पर लिखी जाएंगी। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्प्लिट करके लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। Cn- से जो प्रोडक्ट मिल सकती है CnO- ये प्रोडक्ट मिल सकती है, इसको एक हाफ रिएक्शन बना के लिखेंगे। इसी तरह से MnO4- से जो प्रोडक्ट मिल सकती है MnO2, एक हाफ रिएक्शन इसका बना के लिखेंगे।
इन दोनों हाफ रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सा हाफ रिएक्शन रिडक्शन है। अगर हम ऊपर वाले रिएक्शन को चेक करें तो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन इस सब्सटेंस में शामिल हो गई। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो CN- से CNO- की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन। नीचे वाला प्रोसेस होगा रिडक्शन, क्योंकि MnO4 यहाँ पे चार ऑक्सीजन एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम हो चुके हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ एटम्स। एटम्स को बैलेंस करने से पहले इन दोनों इक्वेशंस को इसी तरह से लिखा जाएगा। इस पहली वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बैलेंस हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स भी बैलेंस हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयंस लगाए जाएंगे, OH आयंस, क्योंकि ये मीडियम है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को OH आयंस लगा के बैलेंस किया जाता है। एक एक्सेस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दो OH आयंस लगाए जाते हैं। तो प्रोडक्ट साइड पे एक ऑक्सीजन एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे दो OH आइंस लगाए जाएंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाएंगे, H2O। तो इस तरह से अगर हम चेक करें, प्रोडक्ट साइड पे दो ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं, रिएक्टेंट साइड पे भी दो ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। अगर हम हाइड्रोजन एटम्स चेक करें तो प्रोडक्ट साइड पे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे भी दो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस है विद रिस्पेक्ट टू एटम्स। इस नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नंबर ऑफ मैग्नीज एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 1, नंबर ऑफ मैग्नीज एटम प्रोडक्ट साइड पे 1। नंबर ऑफ मैग्नीज एटम्स बैलेंस है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रोडक्ट साइड पे 2। तो हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। दो ऑक्सीजन एटम्स का डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए दो OH आइंस लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम्स का डिफरेंस है, तो चार हाइड्रोक्साइड आइंस को हम यूज करेंगे, 4OH-। 4OH- जब हमने यूज किया, प्रोडक्ट साइड पे चार हाइड्रोजन एटम्स हमें नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए 2H2O यूज किया जाएगा रिएक्टेंट साइड पे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड पे हो गए 4+2=6, 4+2=6। इसी तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 2 2 = 4, और प्रोडक्ट साइड पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4। तो ये दोनों इक्वेशंस एटम्स के रिस्पेक्ट से बैलेंस हैं। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने से पहले रिएक्शंस को इसी तरह से लिखा जाएगा। चार्ज बैलेंसिंग के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा जाता है। अब हम इस ऊपर वाली इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं।
Tn के ऊपर चार्ज है -1, OH के ऊपर चार्ज है -1 मल्टीप्लाई बाय 2। प्रोडक्ट साइड पे CnO का चार्ज है -1 और इसका कोफिशियंट है 1, तो रिजल्ट आएगा -1। H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0। रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज आ रहा है -3। प्रोडक्ट साइड पे चार्ज आ रहा है -1। -3 और -1 का डिफरेंस आएगा 2। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन के लिए हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है, और ये ऊपर वाली इक्वेशन है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोडक्ट साइड पे ऐड किया जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। MnO4 का चार्ज है -1, H2O का कोई चार्ज नहीं है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। प्रोडक्ट साइड पे MnO2 का कोई चार्ज नहीं है, 0 हो गया। OH का चार्ज है -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -4। तो -1 रिएक्टेंट साइड पे आ रहा है और प्रोडक्ट साइड पे -4 आ रहा है। -1 और -4 का डिफरेंस आएगा 3। तो इस नीचे वाली इक्वेशन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐड करना है, और ये नीचे वाली इक्वेशन रिडक्शन से रिलेटेड है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे ऐड किए जाएंगे। रिडक्शन वाली इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे ऐड होते हैं, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पे ऐड होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इक्वेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करा जाता है। अब हमने ये सोचना है कि इन दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से सेम हो सकते हैं। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3 2 6। इस नीचे वाली इक्वेशंस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। इस ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाया जाएगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से ये 6 OH- और ये 8 OH- कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 2 OH-, ये 3 H2O कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ H2O बचेगा। रिएक्टेंट वाली स्पीशीज को रिएक्टेंट साइड पर लिखा जाएगा और प्रोडक्ट वाली स्पीशीज को प्रोडक्ट साइड पर लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। अगर हम इसके नंबर ऑफ एटम्स और चार्जेस को चेक कर लें,
रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 3, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 3, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मैग्नीज एटम्स 2, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मैग्नीज एटम्स 2, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इस कंपाउंड में 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8 और +1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे 9, प्रोडक्ट साइड पे इस कंपाउंड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3, इस कंपाउंड में 2 2 4, 3 प्लस 4 7 हो गए, इस स्पीशी में 2, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 9 हो गए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स चेक कर लेते हैं, रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हैं। अब हम चार्ज को चेक कर लेते हैं। सी एन का चार्ज है -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, एम एन ओ फोर का चार्ज है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, एच टू ओ का कोई चार्ज नहीं है 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गया 0। तो रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज है -5। प्रोडक्ट साइड पे चेक कर लेते हैं, सी एन ओ का चार्ज है -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, एम एन ओ टू का कोई चार्ज नहीं है 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 हो गया। ओ एच का चार्ज है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 हो गया, -2 -3 -5। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस है। इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करके बैलेंस किया गया है इन बेसिक मीडियम। ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है और इसका मीडियम गिवन है एसिडिक मीडियम। इस रिडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट करके लिखना होगा। Cr2O7 -2 से हमें मिल सकता है Cr+3, तो इसको हम लिखेंगे Cr2O7 से हमें मिल रहा है Cr+3। इसी तरह से Fe2+ से Fe3+ की फॉर्मेशन होगी। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिएक्शन रिडक्शन है। तो ऊपर वाला जो रिएक्शन है Cr2O7 से Cr3+ की फॉर्मेशन हो रही है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं रिडक्शन का प्रोसेस। जब भी किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो तो हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये है रिडक्शन, नीचे वाला जो रिएक्शन है ये है ऑक्सीडेशन। अगर हम अपियरेंट चार्ज देखें तो अपियरेंट चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन अपियरेंट चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ एटम। इन दोनों इक्वेशंस को इसी तरह से लिखेंगे एटम्स को बैलेंस करने से पहले। इस पहली इक्वेशन में नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स बैलेंस नहीं है, तो क्रोमियम को प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस करने के लिए एज अ कोफिशियंट 2 पुट किया, तो नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स बैलेंस हो गए। इसी तरह से ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7H2O पुट किए जाएंगे, तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दोनों साइड पे बैलेंस हैं। H2O पुट करने की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो चुके हैं 7 2 14, तो रिएक्टेंट साइड पे 14H+ पुट किए जाएंगे, तो इस तरह से ये ऊपर वाली इक्वेशन एटम्स के रिस्पेक्ट से बैलेंस है।
नीचे वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ आयरन एटम्स वन, नंबर ऑफ आयरन एटम्स वन, तो नीचे वाली इक्वेशन एटम्स के रिस्पेक्ट से ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने से पहले इन इक्वेशंस को इसी तरह से लिखा जाएगा। Pr2O7 माइनस टू का चार्ज है -2, H के ऊपर चार्ज है +1 मल्टीप्लाई बाय 14, क्रोमियम के ऊपर चार्ज है +3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 6। H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो गया 0। 14 माइनस टू 12, और 6 प्लस 0 6। 12 और 6 का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके बैलेंस करना है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है रिडक्शन वाली इक्वेशन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे जाएंगे रिएक्टेंट साइड पे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड। इसी तरह से नीचे वाली इक्वेशन में चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं। रिएक्टेंट साइड पे चार्ज है 2, प्रोडक्ट साइड पे चार्ज है 3। 2 और 3 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1। तो नीचे वाली इक्वेशन में हमने एक इलेक्ट्रॉन पुट करना है, और ये नीचे वाली इक्वेशन है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट होंगे प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट स्टेप है इक्वेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस नीचे वाली इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम इसी तरह से लिखेंगे और नीचे वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएं और वो कैंसिल हो जाएं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिएक्टेंट वाली स्पीशीज रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखी जाएंगी। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स और चार्जेस को चेक करें, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स 2, प्रोडक्ट साइड पे भी नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स 2, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ आयरन एटम्स 6, प्रोडक्ट साइड पे भी नंबर ऑफ आयरन एटम्स 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 7,
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रोडक्ट साइड पे 7, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 14, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 7 2 14। अब हम चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। Cr2O7-2 का चार्ज -2, Fe का चार्ज +2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 12। हाइड्रोजन का चार्ज +1 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये हो जाएगा +14। रिएक्टेंट साइड पे ओवरऑल चार्ज 24। अगर हम प्रोडक्ट साइड पे चार्ज कैलकुलेट करें, H2O का चार्ज 0 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0, Fe का चार्ज +3 मल्टीप्लाई बाय 6 3 6 18। इसी तरह से क्रोमियम का चार्ज +3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 2 6, 18 प्लस 6 24। तो दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस हैं, इक्वल है। तो इस इक्वेशन को हमने बैलेंस किया है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्प्लिट करके लिखा जाएगा। कॉपर मेटल से कॉपर का आयन प्रोड्यूस हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे Cu से Cu+2 की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह से NO3-1 से NO2 की फॉर्मेशन हो सकती है। इन दोनों इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हुई है और कौन सी इक्वेशन में रिडक्शन हुई है। ऑक्सीजन की बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नीचे वाली इक्वेशन को कि NO3 से NO2 की फॉर्मेशन हो रही है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम हो रहे हैं। तो जब भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम हो जाए तो वो प्रोसेस होता है रिडक्शन। ऊपर वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कॉपर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, Cu0 से Cu+2 की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। इन दोनों हाफ रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करा जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने से पहले इन दोनों इक्वेशंस को इसी तरह से लिखेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में कॉपर एटम्स बैलेंस है, नीचे वाली इक्वेशन में नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड पे 2 है और रिएक्टेंट साइड पे एक नाइट्रोजन का एटम मौजूद है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे NO3 के साथ एज अ कोफिशियंट 2 पुट करेंगे, दोनों साइड पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2 3 6, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2 2 4। तो दो ऑक्सीजन एटम्स का डिफरेंस है, तो प्रोडक्ट साइड पे 2H2O पुट किया जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो गए 2 2 4 और +2 6। H2O पुट करने की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हो चुके हैं 4। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए 4H+ आइंस यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे लगाए गए ताकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दोनों साइड पे बैलेंस हो जाए। तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस नंबर ऑफ एटम्स के रिस्पेक्ट से बैलेंस है। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज।
चार्ज को बैलेंस करने से पहले ये इक्वेशन इसी तरह से लिखी जाएगी। ऊपर वाली इक्वेशन में कॉपर का चार्ज है जीरो, कॉपर आयन के ऊपर चार्ज है +2, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2 का। तो हमने चार्ज को बैलेंस करना है बाय यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये ऊपर वाली इक्वेशन है ऑक्सीडेशन, तो इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोडक्ट साइड पे पुट किया जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन इसका चार्ज बैलेंस हो गया। नीचे वाली इक्वेशन में NO3 का चार्ज है -1, -1 × 2 -2। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है +1, +1 × 4 +4 हो गया। प्रोडक्ट साइड पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। NO2 का चार्ज 0, 0 × 2। H2O का चार्ज 0 × 2। रिएक्टेंट साइड का चार्ज आएगा +4, -2, +2, और प्रोडक्ट साइड का चार्ज आएगा 0। इन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 2। रिडक्शन वाली इक्वेशन में चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए जाएंगे रिएक्टेंट साइड। हमने ये याद रखना है, रिडक्शन वाली इक्वेशन है तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है इक्वेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। बस हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिखेंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद रिएक्टेंट वाली साइड पे मौजूद स्पीशीज रिएक्टेंट में लिखी जाएंगी। Cu+2NO3- + 4H+। प्रोडक्ट वाली साइड पे स्पीशीज मौजूद हैं Cu2+ 2NO2, 2H2O। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे कॉपर के एटम्स हैं 1, रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन के एटम्स हैं 2, प्रोडक्ट साइड पे भी नाइट्रोजन के एटम्स हैं 2। ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 2 × 3 = 6, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2 × 2 = 4 + 2 = 6। हाइड्रोजन एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे 4, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2 × 4। अब हम चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। Cu का चार्ज 0, NO3 के ऊपर चार्ज -1 × 2, तो इस पूरे NO3 का चार्ज आ जाएगा -2। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है +1 × 4, तो ये हो गया +4। जब हम इन तीनों चार्जेस को प्लस करेंगे
4 -2, तो रिजल्ट आएगा प्लस का 2। रिएक्टेंट साइड पे चार्ज है +2। इसी तरह से जब हम प्रोडक्ट साइड पे चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, H2O में चार्ज है 0, 0 × 2 तो ये 0 हो गया। NO2 पे भी कोई चार्ज नहीं है, 0 × 2 ये भी 0 हो गया। कॉपर के ऊपर चार्ज है +2, इसका कोफिशियंट है 1, तो 2 × 1 तो इसका चार्ज आएगा 2। इन तीनों चार्जेस को जब हम प्लस करेंगे तो चार्ज आ रहा है प्रोडक्ट साइड पे +2। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ चार्जेस दोनों साइड पे बैलेंस है। ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्प्लिट करके लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इस इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे। H3AsO3 से हमें मिल सकता है H3AsO4, तो इसकी हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इसी तरह से Cr2O7 -2 से Cr3+ की फॉर्मेशन हो सकती है। स्प्लिट करने के बाद अब हमने इन दोनों हाफ रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिएक्शन रिडक्शन है। अगर हम इस नीचे वाले रिएक्शन को देखें तो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन मौजूद है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। ऑक्सीजन के रिमूवल का प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। ये जो नीचे वाला हाफ रिएक्शन है ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरह से अगर हम ऊपर वाले हाफ रिएक्शन को देखें तो रिएक्टेंट साइड पे 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन के एटम हैं। का मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का इजाफा हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ एटम्स। एटम्स की बैलेंसिंग से पहले इन दोनों इक्वेशंस को इसी तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करा जाएगा। रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम 1, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स 3 हैं, क्योंकि एज अ कोफिशियंट यहाँ पे 3 मौजूद है। तो रिएक्टेंट साइड पे आर्सेनिक एटम्स को बैलेंस करने के लिए एज अ कोफिशियंट 3 पुट करा जाएगा। तो जब हम 3 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स को बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करा जाएगा। रिएक्टेंट साइड पे 3 3 = 9, 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे 3 4 = 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाएंगे। तो 3 H2O पुट करके रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन को बैलेंस किया गया है। इस कंपाउंड में 3 3 = 9, 9 + 3 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसी तरह से 3 4 = 12, प्रोडक्ट साइड पे 12 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। अब हम बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को। रिएक्टेंट साइड पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 3 = 9, 3 2 = 6।
9 + 6 = 15। प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं 3, 3 = 9, तो 6H+ आइंस यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। तो इस तरह से इस ऊपर वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। इस नीचे वाली इक्वेशन को हम चेक करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स दोनों साइड पे बैलेंस हैं। रिएक्टेंट साइड पे 2 क्रोमियम एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 क्रोमियम एटम्स मौजूद हैं। रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 7, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 7 करने के लिए 7H2O पुट किया जाएगा। तो इस तरह से दोनों साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। रिएक्टेंट साइड पे भी 7 ऑक्सीजन एटम्स, प्रोडक्ट साइड पे भी 7 ऑक्सीजन एटम्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड पे 7 × 2 = 14, रिएक्टेंट साइड पे 14H+ आइंस लगाए जाएंगे। तो इस तरह से रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 14, प्रोडक्ट साइड पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 7 × 2 = 14। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशंस एटम्स के रिस्पेक्ट से बैलेंस है। ये ऊपर वाली इक्वेशन में हमें एक बात नजर आ रही है, वो ये कि इन सब कोफिशेंट में 3 कॉमन है। तो आगे मजीद सॉल्व करने से पहले इस कॉमन कोफिशेंट को हम अलग कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन किस तरह से बनेगी वो हम लिख लेते हैं। जब हम इस 3 कोफिशेंट को कॉमन लेंगे तो इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। थ्री को कॉमन निकाल के जो इक्वेशन बन रही है वो इस तरह से बन रही है, H3AsO3 + H2O गिव्स H3AsO4 + 2H+ आइंस। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने से पहले रिएक्शंस को इसी तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन को यहां पर लिखा है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन Cr2O7 - 2 वाली इक्वेशन को लिखेंगे। Cr2O7 - 2 के बाद 14H+ गिव्स 2Cr+3 + 7H2O। चार्ज को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं के ऊपर वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट करके हम चार्ज बैलेंस कर सकते हैं। रिएक्टेंट साइड पे H3AsO3 पे कोई चार्ज नहीं है, इसके लिए 0 चार्ज कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से H2O पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज 0। प्रोडक्ट साइड पे H3AsO4 पे कोई चार्ज नहीं है, 0, और H+ पे 1 चार्ज × 2। रिएक्टेंट साइड पे 0 चार्ज और प्रोडक्ट साइड पे 2 चार्ज। जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली इक्वेशन के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है, और ये इक्वेशन है ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन। तो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं प्रोडक्ट साइड पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे जाएंगे प्रोडक्ट साइड पे। इस नीचे वाली इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। Cr2O7 का चार्ज है -2, हाइड्रोजन का चार्ज है +, और मल्टीप्लाई बाय 14।
इसी तरह से क्रोमियम का चार्ज है +3 × 2, 3 × 2 = 6। H2O का कोई चार्ज नहीं है, 0 × 7 = 0। रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज आ रहा है 12, प्रोडक्ट साइड पे चार्ज है 6। 12 और 6 का डिफरेंस आएगा 6, तो इस नीचे वाली इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है, और ये नीचे वाली इक्वेशन है रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड, तो नीचे वाली इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा जाएगा रिएक्टेंट साइड पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इक्वेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना होता है, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशंस में 6 हो जाएंगे। नीचे वाली इक्वेशंस में 6 हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इस नीचे वाली इक्वेशन को इसी तरह से लिखा जाएगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये 6H+ आइंस और ये 14H+ आइंस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 8H+ आइंस बचेंगे। इसी तरह से ये 3H2O और ये 7H2O कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4H2O बचेगा। तो अब मजीद कोई स्पीशी ऐसी नहीं है जो कैंसिल आउट हो जाए। तो अब हम रिएक्टेंट वाली स्पीशीज को रिएक्टेंट साइड पर लिखेंगे और प्रोडक्ट वाली स्पीशीज को प्रोडक्ट साइड पर लिखेंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक कर लें, नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 3, नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स प्रोडक्ट साइड पे 3, नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 2, नंबर ऑफ क्रोमियम एटम प्रोडक्ट साइड पे 2। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 × 3 = 9 + 7 = 16। प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 × 4 = 12 + 4 = 16। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स चेक कर लेते हैं, 3 × 3 = 9 + 8 = 17 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट साइड पे 3 × 3 = 9 + 4 × 2 = 8।
17 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। चार्ज को चेक कर लेते हैं, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे। H3SO3 पे कोई चार्ज नहीं है, तो 0 × 3 ये 0 हो गया। Cr2O7 का चार्ज है -2, हाइड्रोजन का चार्ज है +1 × 8, तो ये 8 हो गया। 8 − 2 6 आ रहा है, तो रिएक्टेंट साइड पे चार्ज है +6। प्रोडक्ट साइड पे अगर हम चार्ज चेक करें, H3SO4 पे कोई चार्ज नहीं है, 0 × 3 0 हो गया। क्रोमियम का चार्ज है +3 × 2, तो ये हो गया 6। H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 × 4 ये हो गया 0। तो प्रोडक्ट साइड पे भी चार्ज आ रहा है +6। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस है एटम्स के रिस्पेक्ट से और चार्ज के रिस्पेक्ट से, और इस इक्वेशन को बैलेंस किया गया है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सबसे पहले स्टेप में इस रिडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। Cr3+ से Cr2O7 − 2 की फॉर्मेशन हो सकती है। Cr3+ इसी तरह से BiO3 − 1 से Bi3+ की फॉर्मेशन हो सकती है। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सा हाफ रिएक्शन रिडक्शन है। अगर हम ऊपर वाले रिएक्शन को देखें, Cr3+ से Cr2O7 की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। नीचे वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा बैलेंसिंग ऑफ एटम। एटम्स की बैलेंसिंग से पहले रिएक्शंस को इसी तरह से लिखा जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 1, नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स प्रोडक्ट साइड पे 2। तो क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए एज अ कोफिशिएंट 2 पुट करेंगे, तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए 7 H2O पुट करेंगे, तो इस तरह से दोनों साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे 14 हाइड्रोजन मौजूद हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14 H+ आइंस पुट किए जाएंगे प्रोडक्ट साइड पे। तो ये पहली इक्वेशन एटम्स के रिस्पेक्ट से बैलेंस हो गई। नीचे वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ Bi एटम रिएक्टेंट साइड पे 1 और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ बिस्मथ एटम 3, इसको हम बैलेंस करने के लिए 3 पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ बिस्मथ एटम्स दोनों साइड पे बैलेंस हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 × 3 = 9, तो प्रोडक्ट साइड पे 9 H2O पुट किए जाएंगे ताकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए। 9 H2O पुट करने के बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे, 9 × 2 = 18, तो रिएक्टेंट साइड पे 18 H+ लगाया जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशंस एटम्स के रिस्पेक्ट से बैलेंस हैं। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज।
चार्जेस को बैलेंस करने से पहले रिएक्शन को इसी तरह से लिखा जाएगा। इन दोनों इक्वेशन के चार्जेस को हम बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज करने हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ये पहली इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, क्रोमियम के ऊपर चार्ज है 3 और इसका कोफिशियंट है 2, तो 3 2 6। वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका कोफिशियंट है 7, तो ये हो गया 0। प्रोडक्ट साइड पे Cr2O7 का चार्ज है -2। इसी तरह से हाइड्रोजन का चार्ज है +1 और इसका कोफिशियंट है 14, तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा 14। रिएक्टेंट साइड पे 6 आ रहा है और प्रोडक्ट साइड पे 14 -2 12 आ रहा है। 6 और 12 का डिफरेंस आएगा 6। तो इस पहली वाली इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 6, जो के प्रोडक्ट साइड पे पुट किए जाएंगे क्योंकि ये इक्वेशन है ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन। 6 इलेक्ट्रॉन्स हम पुट कर रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे। नीचे वाली इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। BiO3 के ऊपर चार्ज है -1, इसका कोफिशियंट है 3। -1 × 3 -3 हो गया। हाइड्रोजन का चार्ज है +1 × 18 18 हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट साइड पे बिस्मिथ का चार्ज है 3 और इसका कोफिशियंट है 3 3 3 9। H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ओवरऑल चार्ज आ जाएगा 0। 18 - 3 ये रिजल्ट आएगा 15 और यहाँ पे आ रहा है 9। 15 और 9 का डिफरेंस आएगा 6। तो नीचे वाली इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट स्टेप है इक्वेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इन दोनों इक्वेशंस को इसी तरह से लिखा जाएगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये 14H+ और ये 18H+ में से 14H कैंसिल हो जाएंगे और ये 4H+ यहाँ पे बचेंगे। नेक्स्ट है जो कैंसिल हो रहा है H2O, ये 7H2O कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे 2H2O। अब हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके लिख देते हैं, रिएक्टेंट वाली स्पीशीज रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट वाली स्पीशीज प्रोडक्ट साइड पे।
तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि एटम्स और चार्जेस बैलेंस हैं या नहीं। रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स 2, प्रोडक्ट साइड पे भी नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स 2, नंबर ऑफ बिस्मथ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 3, नंबर ऑफ बिस्मथ एटम प्रोडक्ट साइड पे 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 3 9, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 7 प्लस 2 9, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 2 4। चार्ज चेक कर लेते हैं, क्रोमियम का चार्ज +3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6, BiO3 का चार्ज -1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3, हाइड्रोजन का चार्ज 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, +4 प्लस 6 प्लस 10 और -3, तो ओवरऑल चार्ज आ रहा है +7। प्रोडक्ट साइड पे चार्ज चेक कर लेते हैं, Cr2O7 का चार्ज -2, Bi का चार्ज +3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 -2 प्लस 7, तो ये इक्वेशन बैलेंस है, इसके नंबर ऑफ एटम्स और चार्जेस भी बैलेंस हैं, और इसको बैलेंस किया गया है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्प्लिट करके लिखा जाएगा। IO3 माइनस से I माइनस की फॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह से AsO3 -3 से AsO4 -3 की फॉर्मेशन हो सकती है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस ऑक्सीडेशन है और कौन सा प्रोसेस रिडक्शन है। तो ऊपर वाले रिएक्शन में अगर हम चेक करें, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम मौजूद नहीं है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन। AsO3 से AsO4 की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ये है कि ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीजन ऐड होने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इन दोनों हाफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करा जाएगा। इन इक्वेशंस को नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने से पहले इसी तरह से लिखेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स बैलेंस हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पे 3H2O पुट करे जाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस होने के बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रोडक्ट साइड पे 6 हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए 6H+ लगाया जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम
वन, नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम वन। तो नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स बैलेंस हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए H2O को पुट करेंगे रिएक्टेंट साइड पे, H2O लगा के नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करा जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4, प्रोडक्ट साइड पे भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए 2H+ लगाया जाएगा ताकि दोनों साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने से पहले इन दोनों इक्वेशंस को इसी तरह से लिखेंगे। चार्जेस को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करके बैलेंस करेंगे। अब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने पुट करके चार्ज बैलेंस करना है। IO3 का चार्ज है -1, हाइड्रोजन का चार्ज है 1 और मल्टीप्लाई बाय 6। प्रोडक्ट साइड पे आयोडीन का चार्ज है -1 और H2O पे कोई चार्ज नहीं है, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -1 +6 +5 और -1। 5 और -1 का डिफरेंस +6, तो ऊपर वाली इक्वेशन के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाएगा रिएक्टेंट साइड पे। नीचे वाली इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। AsO3 का चार्ज -3, H2O पे कोई चार्ज नहीं है, 0। प्रोडक्ट साइड पे AsO4 का चार्ज -3 और हाइड्रोजन का चार्ज +1 मल्टीप्लाई बाय 2। -3 और +0, -3 हो गया, -3 +2, ये हो गया -1। -3 और -1 का डिफरेंस आएगा 2। ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए जाएंगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है इक्वेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना है तो नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा ताकि दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। ऊपर वाली इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6 और नीचे वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2। अगर नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को इसी तरह से लिखेंगे। नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाया जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये 6H+ आयंस और ये 6H+ आयंस भी कैंसिल हो जाएंगे। 3
H2O और 3H2O भी कैंसिल हो जाएंगे। रिएक्टेंट साइड पे मौजूद स्पीशीज रिएक्टेंट साइड पे लिखी जाएंगी। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस की गई है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। अब हम इसके नंबर ऑफ एटम्स और चार्जेस को चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स 1, प्रोडक्ट साइड पे भी नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स 1, नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स 3, नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3, 3 9 और 3। तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 12, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3, 4 12। चार्ज चेक कर लेते हैं। IO3 का चार्ज -1, ASO3 का चार्ज -3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो माइनस का 9। रिएक्टेंट साइड पे चार्ज आ रहा है -10। प्रोडक्ट साइड का चार्ज चेक कर लेते हैं -1, ASO4 का चार्ज -3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया -9। तो प्रोडक्ट साइड पे भी जो चार्ज आ रहा है -10। ये इक्वेशन बैलेंस है विद रिस्पेक्ट टू एटम्स एंड चार्जेस, और इस इक्वेशन को बैलेंस किया गया है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम।